नमस्कार, आप देख रहे हो खुले जिंदी। हिसार में लॉकडाउन के चलते चोरों ने तोड़ा एक दुकान का ताला, चुराए 4,97,000 रुपए। जी हाँ, चोरों ने गांधी बुद्ध के पास कॉस्मेटिक के सामान की दुकान से ताला तोड़कर 4,97,000 रुपए चुरा लिए। सिटी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जवाहर नगर की गली नंबर 4 निवासी दीपक वधवा ने बताया कि गांधी बुद्ध के पास देविका सिटी सेंटर में हमारी मानस मार्केटिंग के नाम से कॉस्मेटिक के सामान की दुकान थी। हमारा होलसेल का काम है। पिछले शुक्रवार को सामान की पेमेंट आई थी। मैंने 4,97,000 रुपए गले में रख दिए थे। उसी दिन शाम को सोमवार तक प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया। मैं नकदी को घर नहीं ला सका क्योंकि माल आना था और पेमेंट करनी थी। सोमवार को फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई। मैं बुधवार को सुबह 9 बजे दुकान पर पहुंचा तो शटर का लॉक टूटा मिला। लॉक रोड डालकर उखाड़ा गया था। शटर का लॉक तोड़ने के बाद लकड़ी वाला गेट तोड़ा गया। फिर गले से 4,97,000 रुपये चुरा कर चोर फरार हो गए। चोरों ने सामान को हाथ तक नहीं लगाया, केवल नकदी चुराई। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामला किया। सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने के लिए वोकल जिंदगी को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगली बड़ी तमाम मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।